अब जो भारत ने 5 out of 5 जीत लिया है उसका एक जल्दी से एक रिव्यू भी कर लेते हैं कि अभी क्या है कि ये थोड़ा मिड सीजन है ना, तो कभी कभी रिवीजन कर लेनी चाहिए यहाँ पे कि क्या क्या हुआ है। भारत ने 5 मैच खेले हैं, 5 जीते हैं, तो 10 अंक उनके पूरे हैं। पर अब इसमें अगर हम रिव्यू करें तो आपके लिए, चलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके लिए, आई थिंक हमने अभी ये बात करी थी, सबसे डिफिकल्ट मैच या सबसे इम्प्रेसिव विन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, क्योंकि वहाँ पे 5 for 3 हो गए थे। बिल्कुल, मेरे लिए तो वही है या क्योंकि उस स्टेज से बाहर निकलना टफ होता है और वो केएल राहुल और विराट कोहली ने बड़े आराम से किया। हालांकि रन कम थे, 200 ही चेज कर रहे थे, लेकिन फिर भी 5 for 3 होने के बाद ना, चाहे 200 चीज करो चाहे 150, एक बार ये डर रहता ही है कि यार एक और आउट हो गया, 2 आउट हो गए तो मैच खत्म, हार जाएंगे। तो वही मैच एक मुझे ऐसा लगा जो जिसमें टक्कर दी ऑस्ट्रेलिया ने। That's right. #टक्कर। आपको बताइए कि एक ये सारी जो 5 wins हुई है उसमें से दिल खुश करने वाली विन कौन सी? सेम टू सेम ऑस्ट्रेलिया वाली या पर दिल खुश करने वाली पाकिस्तान वाली? उसके खिलाफ तो रिकॉर्ड ही बहुत तगड़ा है हमारा। 7-0 तो थे, इस बार 8-0 कर दिया है। उसमें तो टक्कर भी नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई, उसमें टहलते हुआ है। एक्चुअली सारे ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के सारे ही मैच टहलते हुए हैं। बिल्कुल, तो कह रहा हूँ डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस की है। चलिए अब थोड़े मुश्किल सवाल, ऑलराइट, इट्स टू इजी। मैं हंटर का है, हंटर लाओ। डिफिकल्ट सवाल, बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस भारत की इन 5 मैचेस में कौन से बॉलर की? आई थिंक शामी, आज के मैच की कहूंगा मैं तो। ओके, आपने कहा शामी ने आज 5 विकेट लिए। इन केस आप अभी जुड़े हैं, क्योंकि अगर वो 5 आउट नहीं करते तो 273 नहीं, ज्यादा बनते, बिल्कुल बनते, ज्यादा 300+ बनते। दैट्स राइट, और 2 विकेटें उन्होंने बैक टू बैक ली, 2 गिल्लियां उड़ाई सीधा, एक मिचेल सैंटनर और अगले थे मैट हेनरी, तो 2 को क्लीन बोल्ड किया। बड़ा मजा आया वो देख के, हमेशा मजा आता है जब तेज गेंदबाज डंडे उड़ाते हैं। आपने बड़े डंडे उड़ाए हैं, पर आप बताइए आपके लिए कौन सी बॉलिंग परफॉर्मेंस सबसे इंप्रेसिव रही है इन 5? देखिए मोहम्मद शामी तो आज, वीरू ने भी बोल दिया, आज का ही मैच है, सबको याद रहती है, पिछले कुछ मुकाबले होते हैं कई बार आप भूल जाते हैं। पर मैं कहूंगा कि जसप्रीत बुमराह ने जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ गेंदबाजी करी, और स्पिनर्स ने भी विकेट लिए थे, पर बाद में जो बची कुची था ना, कि कोई मौका अगर टीम को बचता, कि कंडीशन जैसी मर्जी हो, जिस तरीके वो गेंदबाज है, उन्होंने जैसे शादाब खान और रिजवान को आउट किया, तो वो गेंदबाजी जो 3-4 वो पूरा जो गेम की जो इंपॉर्टेंट अगर आप बात करेंगे, तो वो मेरे लिए स्पेल 3-4 ओवर जो था, गेम बदलने वाला स्पेल था वो। या ओके, आइए बल्लेबाजों पे आते हैं। बेस्ट इनिंग्स बहुत रही हैं, पर पूरा माहौल समझ के, कॉन्टेक्स्ट समझ के, मैच कहाँ पे था वो समझ के, तो बेस्ट इनिंग्स कौन सी? मेरे लिए केएल राहुल पहला मुकाबला, 97 नॉट आउट। ओके, केएल राहुल, क्योंकि मुश्किल आती यहाँ पे 5 for 3 थे जैसा कि हमने कहा, तो केएल राहुल। और उस पिच पे वीरू ने बोला कि 200 रन चाहिए थे बिल्कुल, पर फिर भी गेंद बाद में गीला हुआ और चीजें आसान हुई, पर जिस तरीके से गेंद शुरुआत में चल रहा था और वहां पर जिस पूरी अथॉरिटी के साथ वो पारी जो खेले थे वो काबिले तारीफ, मैच के कॉन्टेक्स्ट में कि 3 आउट भी हो चुके हैं, पिच भी मुश्किल है और पहला मुकाबला विश्व कप का, और आपने रन चाहे 200 चेज करने पर घर पे आप खेल रहे हैं पहला मुकाबला, थोड़ा सा ना दबाव तो रहता है, और खासतौर पर जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे हैं तो वो प्रेशर हैंडल करना, सिचुएशन को समझना, और वहां से चांसलेस इनिंग थी शायद बिल्कुल, और वहां से जिता के लेके गए, वो काबिले तारीफ। आपके लिए? एक नहीं, 2-1 कोहली का शतक और 1 रोहित शर्मा का शतक। ओके, ये दोनों। या दोनों शर्मा जी के बेटे। अगर मुझसे पहले पूछते तो मैं भी केएल राहुल की इनिंग ही पिक करता, बट क्योंकि वो पिक कर लिया आशीष ने, तो फिर वो 2 इनिंग, उनका शतक, और तो ये top 3 हो गए ना हमारे। बिल्कुल top 3 हो गए, 1 विराट कोहली का शतक, 1 रोहित शर्मा का शतक, और 1 KL राहुल का ऑलमोस्ट शतक, मिसकैलकुलेशन से मिस किया गया शतक। उनको खुद नहीं आइडिया था कि वो कितनी अच्छी टाइम कर रहे थे बॉल को, तो चौका मारने के लिए चक्कर लग गया यार वो। चलिए कोई बात नहीं, बेस्ट फील्डिंग परफॉर्मेंस, बेस्ट कैच, इजी हो जाता है, जड़े जाना पॉइंट पे, क्या आज छोड़ा भी एक इजी कैच पॉइंट पे ही उन्होंने कैंसिल कर दिया उसके, बिल्कुल एक के साथ दूसरा कैंसिल कर दिया। पर या विराट कोहली की कैच आई गेस, या केएल राहुल ने भी एक्चुअली अच्छी विकेट कीपिंग करी है, एक उनकी भी डाउन द लेग साइड कैच थी पिछले मैच में, वो भी बहुत बढ़िया थी। ऐसे तो मैं वही बोल रहा हूं कि ऐसे गिनेंगे 5 मैच है, 3-4-5 आपको बड़ी सारी याद आती रहेंगी, करिए। आपने बोला विराट कोहली की कैच, एक पिक करनी है ना, एक पिक करिए आपने, विराट कोहली की कौन सी, विराट कोहली कौन सी कैच? जो आपने बोला विराट कोहली की कैच, मैंने केएल राहुल की बोली, डाउन द लेग साइड बोली आपने, पहले विराट कोहली की बोली। नहीं नहीं, विराट कोहली की कौन सी कैच बोली, विराट कोहली बोला था, बिल्कुल बोला। अच्छा, केएल राहुल की जो कैच थी विकेट कीपर, हाँ, तो जो उन्होंने पकड़ी डाउन लेग साइड, तो वो भी बहुत बढ़िया थी। चलिए अब आपको प्रिडिक्ट करना है कि इंडिया के साथ साथ 3 और टीमें, अब हाफ वे पॉइंट जो है, वो 3 टीमें, 3 दावेदार सेमीफाइनल के कौन है?
देखिए अब माहौल बदल गया। मैं पहले मैच के बाद ही माहौल मैंने बदल दिया था कि मैंने इंग्लैंड का कुछ नहीं होना। मैंने इंग्लैंड को बाहर करके साउथ न्यूजीलैंड को अंदर डाल दिया था। और मेरी बाकी तीन टीमें थी, अगर मैं इंग्लैंड को डाउं तो इंडिया, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया। अब माहौल हो गया कि पाकिस्तान का भी कुछ नहीं होना। तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड। ओके, तो ये है आपके चार। देखिए दो में से दो बदल गए क्योंकि ऐसे होता है विश्व कप। आप बताइए। देखिए मेरी तो जो चार टीमें थी उनमें तीन ऊपर जो है, इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, और चौथी में इंग्लैंड की बात कर रहा था। तो उनका जो मौका बड़ा स्लिम है, पर फिर भी क्योंकि उनकी टक्कर जो दो टीम से है ना, वो साथ में किससे हैं, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया। तो वो भी चार में से दो जीते हैं, दो हारे, तो ऐसा नहीं है। तो मैं अभी भी इंग्लैंड की गेंदबाजी शुरुआत से हल्की दिखी, पर फिर भी उनकी जो ऐसी बल्लेबाजी है, चौथी टीम में उनको अभी भी बैक करूंगा। पर अब एक और उनके खिलाड़ी इंजर हो गए, टॉपली, अब वो टॉपलेस होंगे, वो बिना टॉपली है ही नहीं वो। उनके पास मतलब ये तो चर्चा का एक अलग विषय है, पर जिस तरीके की कंडीशन है, मैं फिर भी मोइन अली को खेलता हुआ देखना चाहूंगा आदिल रशीद के साथ। वो एक अगर कॉम्बो होगा, बल्लेबाजी भी करते हैं और वो तो वैसे भी सारी टीम ऑलराउंडर्स में विश्वास रखती है। ये तो प्रॉपर ऐसे 50 ओवर के गेंदबाज भी हैं जो शायद ज्यादा काम आए। बट इंग्लैंड अभी भी चौथा मौका, वो विश्वास उन्होंने बहुत जल्दी खो दिया है। खोया का मेरे को तो लगता नहीं कि तीन मैच के बाद ही उन्होंने सारे ऑलराउंडर को छुट्टी कर दी कि बैठो घर। क्योंकि अभी टीम ही पूरी की पूरी जिस तरीके से चली है कि सैम करन भी हैं वहाँ पे, वोक्स भी हैं, एक अलग गेंदबाजी है ना। अब टॉपली आए हैं, वो भी कंगाली में आटे भी गीले हो रहे हैं, उसमें तो कोई डाउट नहीं है जब चीजें आपके लिए गलत चलती हैं। पर फिर भी अभी भी आपके पास मौका है कि अगर आप थोड़ी सी सुधार कर लें, क्योंकि अब मार्जिन देखने में ऐसा ना कि ऐसा नहीं है कि 10 मैच बचे हैं और 8 जीतने। तो अभी अगर अगले 50 ओवर है, T20 नहीं है, पर फिर भी अगर 4 में से 4 जीतने हैं, 3 में से 3 जीतने, तो आप जीत सकते हैं। ऐसी बल्लेबाजी है, और सडनली फिर के आप 7 मैच पे जब बैठे ना, अब आपके दोनों में से दो जीतने हैं, और एक भी जीते तो भी नेट रन रेट पे क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आपके पास मौका भी है। आई लाइक इंग्लैंड को सपोर्ट करने का ससुराल भी है, थोड़ा तो करना पड़ेगा आफ्टर ऑल, व्हाई नॉट। उनकी जैसी टीम और खासतौर पर बल्लेबाजी जो है, तो है, बिल्कुल उनके पास विस्फोटक बल्लेबाजी है, और अगर वो चले और ठीक से तो बात बन सकती है। वर्ल्ड कप से पहले हम लोग यही चर्चा कर रहे थे ना, क्या इंग्लैंड 400 रन बनाएगा बड़ी टीमों के खिलाफ, और साउथ अफ्रीका को कोई आंख भी नहीं रहा था। बिल्कुल, और साउथ अफ्रीका ने दो बार 400 रन बना दिए, एक बार 428 श्रीलंका के खिलाफ, एक बार 400 इंग्लैंड के खिलाफ। साउथ अफ्रीका को मैं डे वन से, या ये तो कर रहे थे डे वन, नहीं हमने नहीं किया था। मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ आमतौर पर, अब अगर आप जितने भी एक्सपर्ट बैठे हैं, किसी ने भी साउथ अफ्रीका को नहीं आका था कि वो टॉप फॉर्म में होगा, और किसी ने भी नहीं सोचा था कि वो 400 प्लस रन दो बारी बनाएगा। सब इंग्लैंड पे दाव खेल रहे थे। और अगर मैं एक्सपर्ट में काउंट होता तो मैंने किया था। नहीं, वो छोड़ के एक्सपर्ट जितने मैं कह रहा हूँ कि सारों मिलाए तो एक आदमी ने कहा, तो बाकियों ने ये कहा कि नहीं साउथ अफ्रीका नहीं, तो वो जो परसेंटेज वाइज है वो एक है।